बिज़ा वरमातर हैदर, राजा है हैदर, मोहब्बत के के भरा सलाम कबूल हो एक और मगर चमकती हुई रात के साथ दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है आप लोगों की मोहब्बतों को सलाम जो जो हमें देख रहे हैं आप लोगों के माँ बाप जितने भी जिनके माँ बाप आया था उन पर रहमतें नाजिल होंगी और जिनके नहीं हैं उन्हें जवारे रहमत में परवरदिगार जगह दे रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को रमज़ान शुरू हो चुका रमज़ान जाहिर है कहीं तीन रोज़े कहीं दो रोज़े भी हो चुके हैं और आज का ये बड़ा मुख्तर सा एक प्रोग्राम है जो कि आपके क्वेश्चन आंसर पर बेस्ड करता है कि आप लोग जो भी सवाल हमसे पूछना चाहेंगे उसका जवाब मिलेगा क्योंकि हम वीक में एक या दो बार कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन आंसर के बारे में भी हम आपको बताते रहें तो आज की ये रात आप लोगों के नाम है क्वेश्चन आंसर के टाइम शुरू होता है अब बिना टाइम ज़ाया किए कोई भी आप चीज़ पूछ सकते हो कोई भी इससे मुराद आप कोई तसवुफ़ का सवाल करना चाहो वो कर सकते हो आप लोग क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन ट्रेडिंग वीज़ा इमिग्रेशन से चांद से सितारों की जो मूवमेंट है उसके मुतालिक आप लोगों ने कोई वज़ाइफ पूछने उसके मुतालिक कुछ भी पूछ सकते हो आज आप लोगों के लिए एक खास आ, अमल लेकर आया हूँ ये अमल बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि जी प्लीज़ हमें हर रमज़ान में कम से कम कोशिश करें कि रोज़ाना कोई ना कोई एक अमल आप बताते रहें ये उन लोगों के लिए होता है जो ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोई ना कोई अमलियात किसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी हमारे लिए कर दें तो उनका कोई भी मुर्शद या कोई भी जो बुज़ुर्ग हैं जो जायज़ काम करने वाले हैं वो उनके लिए करते हैं तो ये आप घरों पर भी बैठ के ये काम कर सकते हो इसमें दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं इसमें जैसे आपके ऊपर खुदा न खास्ता किसी ने मैजिक कर दिया आ, उन लोगों के लिए बड़ा ये कारमद अमल है अगर किसी ने आप लोगों को बांध दिया यानी रिश्तों को बांध दिया आप लोगों के रिश्ते आते हैं और वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे वो चले जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है अगर आप लोग ये समझते हो कि जॉब अपॉरचुनिटीज़ अच्छी नहीं मिलती हैं फाइनेंस ग्रो नहीं कर रहा आप किसी और मुल्क में जाना चाह रहे हो वीज़ा इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है इवन आप लोग अगर बच्चे आपके कौन जहन है पढ़ते नहीं है अच्छे तरीके से तो आप ये अमल उनके लिए भी कर सकते हो इसके लिए इस आ, अमल के लिए को बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है आपको आ, सिंपल से कुछ चीज़ें चाहिए आप लोगों को जो डिजिट लिखने हैं वो मैं सिंपल सा बता दूंगा कि आपने किस तरह से इस अमल को करना है ठीक है सबसे पहले आप लोगों को इस अमल के लिए तस्बीहात की ज़रूरत होती है तस्बियाँ कौन कौन सी पढ़नी है वो बताएंगे कब पढ़नी है वो हम बाद में बताएंगे सबसे पहले इसमें दो तस्बियाँ यानी एक तस्वी के ऊपर दो इसमाय मुबारक जो पढ़ने हैं या कुसो या नूरो ये पहली तस्वीर है आपकी या कुसो या नूरो टाइम वाइम सब बताऊंगा पहले आप नोट करते जाइए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए दूसरी तस्वीर है या नाफे हो या अजीजो कौन सी है या नाफे हो या अजीजो और तीसरी तस्वीर आपने पढ़नी है या वूदो या कादिर वो या कादिरो यह या या तीन तस्वीया आपने पढ़नी है इसके लिए एक पानी का गिलास चाहिए आपको उस पानी के गिलास को आपने रख लेना है जाहिर है जब भी आप आ, इसको अमल को करना चाहिए इसके लिए नमाज के फ़ौन बाद करना भी ज़रूरी नहीं है इसके लिए ज़रूरी भी नहीं होता कि आप बाज़ वज़ायफ़ होते हैं जो नमाज के फ़ौर बाद आपने पढ़ने हैं नमाज़ पढ़ने के बाद पढ़ने ये किसी भी आ, तरह से आप इसको किसी भी वक्त कर सकते हो इसके लिए जो दिनों की कैद है आ, मतलब आप इसको कब नहीं कर सकते हो मंगल वाले दिन आप ट्यूसडे को नहीं कर सकते हो आप इसको आप इसको सैटरडे को नहीं कर सकते हो ये दो डेज ऑफ है यानी मंगल और हफ्ता ट्यूसडे एंड सैटरडे बिल्कुल नहीं कर सकते ममानियत है क्योंकि वो जो स्टार टाइमिंग की गेम है सारी कि आपने किस साथ में इसको करना है इसके लिए नॉर्मल जो अच्छा टाइम होता है जो बेहतर टाइम है वो है सुबह जब सूरज पूर्टता है तब से लेके शाम छः बजे तक का टाइम यानी मगरब से पहले का जो टाइम है अपने अपने मजाफाती टाइम के हिसाब से और अगर आप इसको मतलब फर्ज करें लेट नाइट करना चाहें तो फिर रात नौ बजे से ले कर दो बजे तक कर सकते हो नाइन टू टू रात ठीक है रात को बहुत ज़्यादा दूर की टाइमिंग नहीं होती है तो जो ममानियत है वो हमारी टीम यहाँ पे लिखती जाएगी कि किन दिनों में आप इसको नहीं कर सकते हो इसके लिए आ, दुश्मन जो हैं आपके जो एनिमीज़ हैं वो भी अपने मुँह के बल गिरते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही रपटे वाला अमल इसको माना जाता है इसमें दो तीन चीज़ें चाहिए जैसे उस दिन मैंने कहा कि आपको नेल यानी कील वाला एक अमल चाहिए होता है आ, उसके लिए आ, आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है सबसे पहले इसमें जो लोग ब्रश करते हैं आ, अगर आप लोगों के सर पर बाल हैं खवतन है या जरात बहुत होते हैं जिनके बाल ही नहीं होते तो वो क्या करेंगे वो नहीं कर सकते इस अमल को क्योंकि इसके लिए बाल चाहिए होता है आपके सर का बाल अगर आपके ब्रश या कंगी में मौजूद है तो वो बाल चाहिए आपके क्योंकि मैजिक को रिटर्न करने के लिए भी आपके बालों की ज़रूरत होती है नंबर टू अगर आपके बाल नहीं हैं सर पे तो फिर आपके नेल की जरूरत होगी वो हाथ के नेल होने चाहिए वो पाओं के नेल नहीं चाहिए लेफ्ट या राइट किसी भी उसके लिए फाइव नेल्स चाहिए होते हैं आपके वन टू थ्री फोर फाइव तो ये पाँच नेल्स चाहिए आपको इसमें एक कील चाहिए इसमें सात गोल वाली लाल मिर्चें चाहिए क्योंकि उसी वक्त आपकी नज़र उतारना भी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इसको जलाली अमल भी कहते हैं क्योंकि जब जो शाहजन्थ है वो जब ये अमल हो रहा होता है और इसका धुआं या इसकी पढ़ाई जब हो रही होती है तो वो अलर्ट मोड पे आ जाते हैं अब आपके प्लान की जो पावर है इस वजह से हम आपको कहते हैं कि मंगल को और हफ्ते को नहीं करना क्योंकि उस वक्त वीकेस्ट पॉइंट पे होते हैं आपके सितारे तो आप चाहे जितने भी हिसार बंदियां करवा लो उस वक्त आपको इसका रॉन्ग इफेक्ट मिलेगा ये याद रखना इन दिनों में नहीं करना है बाकी किसी भी दिन कर सकते हो टाइमिंग का अब इसका पढ़ने का तरीका क्या है सबसे पहले आपने एक कील जो दीवार में लकड़ी में ठूकते हैं वो आपको चाहिए एक आपको सात अदद लाल गोल वाली मिर्चें चाहिए गोल नहीं है तो आप लंबी फिलफिल फिल दराज जैसे अरबी में कहते हैं वो किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी आप वो भी ले सकते हो कूटी हुई मिर्चें नहीं लेनी उससे माइग्रेन शुरू हो जाएगा उससे घुटनों में शदीद पेन शुरू हो जाएगा साबुत ही चाहिए आपको आपने इनको किसी एक कागज़ पर रख देना है यानी मिर्चें आपका एक बाल भी चाहिए सिर्फ मैंने एक बाल कहा तो मेरा एक बाल ही टूट गया चलो ठीक है मैंने एक बाल ज़ाया कर दिया आपने

लाइन नहीं लगानी है अब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे यानी सेंटर से नीचे की तरफ आओगे डिजिट लिखने असल चीज है ये डिजिट सबसे पहले सबसे ऊपर टिकोन जहां चोंच बनी है वहां से अंदर की तरफ आप लोगों ने लिखना है थ्री फिर थ्री और फिर थ्री यानी ट्रिपल थ्री सेवन जीरो 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 तीन जीरो सेवन के बाद फिर ट्रिपल थ्री फिर, फिर फोर फाइव नाइन फोर फाइव ठीक है फोर फाइव नाइन लिखने के बाद आपने उसके नीचे गाफ लिखनी है गाफ़ गाफ़ घास, घोड़े वाली, के नीचे वाली जो के आपने आना है, वहां उस लाइन के नीचे नीचे आपने लिखना है यहां से शुरू करेंगे इंग्लिश रसमुल खत से शुरू करेंगे आप उर्दू वाली साइड से नहीं करेंगे इंग्लिश वाली साइड से डिजिट लिखना शुरू करेंगे फाइव थ्री लिखिए आराम से फाइव थ्री सेवन थ्री नाइन 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 और उसके आगे मीम लिखना है आपने मीम लिखने के बाद आप सबसे ऊपर जो चोंच है चोंच के ऊपर आपने मकसद लिखना है वो जो टॉप है उसके बाहर कहीं भी आपने दुआ मतलब दुआ से मुराद के मकसद लिखना है बराए हुब इसका मतलब है कि आप मोहब्बत के हुसूल के लिए कर रहे हो बराए हुए हुब आप मोहब्बत के लिए कर रहे हो अगर आपने औलाद के लिए करना है तो बलाए औलाद बराए इस तरह करके आपने ये कर देना अच्छा अब जब ये लिख लिया बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं जितने भी आमिलीन हैं वो कहते हैं कि इस कागज में आपने नाम लिखना है कि फला बिन फला यानी अगर कोई मर्द है तो वो बिन लिखेगा औरत है तो वो बिनते लिखेगी यानी कोई भी एक नाम है उसकी माँ का नाम से पहले बिनते यानी कि उसकी बेटी और लिखने के बाद आपने दोनों नामों को वो करना ये कभी ना करना ये हर अमल में नहीं होता ये कुछ खास अमल होते हैं जिसमें ये किया जाता है और मैं बहुत ईजीएस्ट जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ वरना अमलियात में बहुत सारी चीज़ें आपको लिखी जाती हैं जो आगे चल के हम इंशाल्लाह सिमी के प्रोग्राम में भी मेरे प्रोग्राम में भी ये सारी चीज़ें आप देखोगे जो बाकायदा प्रैक्टिकली आपको लिख के और करके बताएंगे अभी क्योंकि एक छोटा सा शो था जिसकी वजह से हम लोगों ने ये कर दिया जावेदा हैं बाकी सब लोग हैं यहाँ पर उन चीज़ों को लिखे जा रहे हैं आप प्लीज़ यहाँ से कॉपी कर सकते हो ये हमारी जो ब्लू टीम है हमारा खान गैंग तो आपने नाम नहीं लिखना है आपने सिर्फ ख्वाहिश लिखनी है बिकॉज जो कर रहा है रब को पता है ये कौन कर रहा है आपके जिस्म की जो बू है उसमें शामिल हो जाती है क्योंकि ये कोड्स हैं सीक्रेट कोड्स और ये वाला जो अमल मैं बता रहा हूँ ये कोडेक्स गीगा यानी जो शैतान की बाइबल है जिसको कहते हैं डबल बाइबल ईवल बाइबल आ, इ, इ, उसके चैप्टर नंबर सेवेंटी फोर से आप लोगों को इसका रिवर्स वर्जन दिखा रहे हैं बेसिकली इसमें रेत का इस्तेमाल भी होता है लेकिन हम रेत की जगह आप लोगों के बाल को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो रेत आप कहाँ से लेकर आओ फर्स को नहीं है कहीं तो बड़ा मुश्किल होता है तो बाल जो है ये सबसे अहम है मैं। अब आपने करना क्या है ये चीज़ें हो गई सारी बराए जो भी है किसी एक ख्वाहिश दो ख्वाहिश या तीन ख्वाहिश तक को आप लिख सकते हो बराए औलाद बराए जॉब बराए वीज़ा हसूल ज़रूर लिखना बराए हसूल वीज़ा बराए उस लेकिन जहाँ पे है कि बराए बरएसूल हुब तो वो आप हुब कर दोगे मियाँ के लिए है जो भी है बीमार के लिए लिखना है तो बीमार के नाम का इनिशियल लिखना है आपने सिर्फ फ़र्ज़ करें किसी का नाम कैसर है तो आपने सिर्फ काफ लिखना है उर्दू में लिखना है हिंदी में लिखना है इससे फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट इनिशियल लिखना है और कुछ नहीं लिखना है और फर्स्ट इनिशियल लिखने के बाद उसके ऊपर क्रॉस क्रॉस जरूर लगाना यानी उसको उसको नंगा नहीं छोड़ा जाता उसको लगाने की बज़ा... देखो मैं समझाता हूं। एक चेकबुक होती है जब आप किसी को चेक भेजते हो तो ऊपर कोने पर दो लाइने लगा लेते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा कोई बंदा आए ऐसे लेके तो उसको कैश नहीं दे देना एसी ओनली लिख देते हो अकाउंट ओनली तो ये समझ लो ये क्रॉस लगाने का मतलब ये सिर्फ डिपॉजिट ही हो सकता है इसको कोई हैक नहीं कर सकता कोई भी आमिल, लेकिन क्रॉस लगाना आपके अपने हाथ से जरूरी है करो किसी के नाम फरीदा है तो वो फेल लिख के उसके ऊपर जल्दी से क्रॉस लगा दे यानी बंद कर दिया उसको लॉक कर दिया इस कागज को क्या करना है आपने इसके अंदर वो जो बाल है जो अमल करने वाला है उसका बाल चाहिए होगा अब अगर आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो फिर बेटी का बाल चाहिए होगा अगर आप अपने शोहर के लिए शौहर का बाल चाहिए अब अगर शौहर नहीं है बेटी परदेश में है या बेटा परदेश में है उसकी जिंदगी या रोजगार के लिए कर रहे हैं तो फिर उस सूरत में माँ है अगर कर रही है तो वो अपना बाल लगा सकती है बाप है तो वो अपना बाल लगा सकता है भाई बहन के लिए कर रही है यानी ब्लड रिलेशन कर सकते हैं चच्चा मामू के लिए नहीं कर सकते हो आप जो ब्लड का डीएनए जिनका बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो उसमें वो एक बाल भी चाहिए आपके बहुत सारे बाल नहीं चाहिए उसके अंदर आपने उसको लपेटना है लपेटने के बाद छोटा सा बना लो अच्छा बहुत बड़ा कागज मत लेना छोटा सा ले लेना ताकि आपको लपेटने में आसानी हो इसके अब दो तरीके जब लपेट लो उसके ऊपर हल्का सा धागे से उसको बांध लो बहुत धागा लपेटने की भी जरूरत नहीं लेकिन बस बन जाए कि खुले नहीं वो दोबारा से धागे को लपेटने के बाद आपने क्या करना है अब उठानी है तस्बी यह अमल करने से पहले अब उठानी है तस्बी और यह तस्बिया पढ़नी है जो मैंने बताया तस्बियाँ पढ़ने के बाद आपने अपने गिरबान में फूँकना है जैसे दम करते हैं अपने आप को फिर आपने अपने हाथों के ऊपर भी फूकना है और अपनी पूरी बॉडी पे लगाना है जैसे आप कोई मोस्पल वगैरह लगाते हो अपने आप को सेफ करने के लिए क्योंकि इसके सात घंटे के बाद वो जो मुख्तलिफ़ चीज़ें अगर आप ये करके हिसार नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगा जिसम पे हाथ फेरने के बाद जिस जगह बैठ के ये अमल किया होगा वहाँ से उठ के खड़ा होना है और जितनी जगह पर आप बैठे होगे वहाँ सात दायरे उंगली से लगाने हैं क्या करना है जैसे आप जानेमाज पे बैठे हो फर्ज करो तो जानेमाज उठा ली वहां से और जानेमाज उठा के साइड पर की और वहाँ से सात दायरे लगाने हैं कोशिश करना किसी कोने पर करो यह या अमल यानी उस जगह पर आपको सेवन आवर तक कोई पाव नहीं रखना बेडरूम में कर रहे हो तो किसी कोने में लिविंग में कर रहे हो तो किसी कोने में और ऐसे टाइम पे जैसे रात को करते हो नौ बजे करते हो फिर आप सो जाते हो तो वो सात घंटे आपके पूरे हो जाएंगे वहाँ जाने की जरूरत नहीं होती वहाँ अपने सात दायरे लगाने होते हैं उंगली से ही बस सात दायरे लगाने के बाद ये आपका अमल हो गया कंप्लीट अब आपने उठानी है मिर्चें और कील उनको किसी टिश्यू पेपर में लाइक ऐसा कोई टिश्यू पेपर है उसमें लपेटने के बाद आपने बंद किया और अपने ऊपर से ही वार लो किसी के लिए कर रहे हो तो उसके ऊपर से वार लो कील भी और वो भी अब जिस वक्त ये वारा जाए तो आपने कील निकाल लेनी है वो जो लाल मिर्चें हैं उसको जलाने का तरीका आपको पता है या जलाओगे या फिर उसको घर के फौरन बाहर फेंकोगे ये दो अमल होते हैं बहुत सारे लोग हैं वो जो धुएं से जिनको एलर्जी होती है या अलार्म बोल पड़ते हैं तो वो ना करें लेकिन अगर आपके मुमकिन है तो आप उसको चूल्हे में रख के जला दीजिएगा और अगर नहीं जला सकते तो फौरन फौरन आपको आपको नेक्स्ट डे या जो सूरज निकलने से पहले आपको अपने घर के बाहर फेंकना होगा अब कील का और उस उस तावीज का क्या करना है नक्श का नाटा तावीज वो पासवर्ड्स हैं जो डेवल को जिसम से घर से कॉसोमील दूर करेंगे प्लान को एक्टिव करेंगे उसके लिए तरीका क्या होता है कि आपके घर में कोई एक जगह पे कुछ दरवाज़ा कोई लकड़ी कोई लकड़ी का टुकड़ा कुछ भी है उसमें उसको रख के ठोक देना है पहला अमल यानी अगर आपके घर में कोई है फर्ज करो स्टोर रूम है तो उसके अंदर वाली साइड पे जो चौखट होती है छोटा इसीलिए बनाना कि वहां रख के उसको छोटा बना के कील बड़ी होगी तो उसमें ठोक देना आपने बस ये करना है आपने निकालना नहीं है वहां से ठोक देना तो आपके उस घर की भी हिसार हो जाएगी आप पे कोई बंदा दोबारा से अटैक ही नहीं कर पाएगा और आपकी विश कैसे पूरी होती है ये आपको पता चलेगा ठीक है लेकिन वो पूरे का पूरा सिलसिला अब अगर घर में नहीं करना है तो फिर इस तावीज को किसी को दे दो घर के बाहर गांव में रहते हो तो किसी दरख्त में जाकर ठोक के आ जाना वो भले ही बाद में को फाड़ दे कुछ कर दे लेकिन आपने लकड़ी के अंदर लगा दिया आपका बच्चा है तो वो लगा के आ जाए एक तरीका दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसको किसी भी घर में गमला है तो गमले में मिट्टी हटा के क्यारी बनी हुई और मिट्टी लकड़ी क्योंकि जमीन से ही निकलती है तो इसके दो ही ऑप्शन होते हैं और इसका कोई ताल्लुक नहीं है पानी नहीं पीना आपने जब तक कि ये पूरा अमल ना कर लो बस ये खत्म हो गया अब आपने उठाना है पानी और पानी पी लेना हार्ट बीट बहुत तेज होगी इसमें आपको नींद बहुत झटके से आएगी मतलब आपको लगेगा कि आंखें जल रही हैं और नींद आ रही है सो जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट बीट तेज़ होने का मतलब भी कोई आउट ऑफ द स्पेस जाने वाली चीज़ नहीं है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और हल्का सा पसीना जो आपको आ रहा होता है वो है ये अमल बस इतना ही है ये वो अमल है आप यकीन करो कि जो बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को दिनों में मुकम्मल करेगा आपके रस्ते खुलना शुरू हो जाएंगे एक होप सामने आ जाएगी अगर बड़े से बड़ा मसला जायज़ मसले की हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इसको रमजान हो गर्मी है सर्दी है कभी भी किया जा सकता है दिनों का बता दिया मंगल और हफ्ते को यानी ट्यूसडे एंड सैटरडे को नहीं किया जा सकता पूरी टाइम बता दिया हमने जिन्होंने नहीं देखा वो कोशिश करूंगा मैं कि इस वीडियो को क्लिप करके एडिट करके सिमी के चैनल पे डाल दूं ताकि आप लोग देख सको तो आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ थैंक यू वेरी मच इतना देर देने के लिए और आप लोगों के लिए एक हदिया था जो हमने कर दिया इसके मुतल कोई भी सवाल हो तो वो बताएं अब आते हैं आपके सवालों की तरफ क्योंकि हमारे पास थ्री मिनट हैं और इसमें हमने आप लोगों के सवालों के जवाब देने हैं थैंक यू शफरीन थैंक यू रूबी थैंक यू जावेदा बहु, बहुत बहुत शुक्रिया सुपर चैट अभी तक नहीं हुई आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारा शो चलता ही सुपर चैट पर क्योंकि हम लोगों ने दूसरे लोगों के लिए अनाज रफ्तारी सहरी उसके लिए कुछ ना कुछ करना होता है तो फुकौर से अगर आप किसी को वैक्सीन देना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो फिफ्टी डॉलर आप यहाँ पे पे कर सकते हो और अगर आप वैसे नॉर्मली कुछ भी देना चाहो तो यहाँ पे सुपर चैट करके अपने बुज़ुर्गों के लिए अपने बच्चों के लिए हस्बैंड और बीवी के लिए दुआ करवा सकते हो ठीक है जी और मेरे शो के बाद थोड़ी देर के बाद सिमी किचन पे आप लोग एक लाजवाब सा शो देखते हो बहुत अच्छा शो होता है डेफिनेटली जिन्हों को नहीं पता उन लोगों का बता देते हैं कि सिमी क्या नहीं इंस्टाग्राम पे आई है आप फॉलो करेंगे तो आपको रोज़ आना नई नई अपडेट मिलेगी और यूट्यूब पर चैनल जो हमारा है उसका नाम है सीमीज़ किचन तो सीमिस किचन और राजा हैदर के ये चैनल दोनों सेम चैनल हैं अब आते हैं सवालों पे सर प्लीज़ अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब ये यहीं रहेगी वीडियो आ, लेकिन मैं इसको एडिट करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से एडिट करके इस वीडियो को अलग से भी मैं अपलोड कर दूँ ठीक है राजा भाई आप इस्लामाबाद कब आएंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं दुनिया में कहीं भी हूँ मतलब मुलाकात तो होती नहीं किसी से तो इस्लामाबाद में आऊँगा तो क्या हो जाएगा मतलब मेरे आने से मौसम बदल जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है और सवाल लिखो अब लिखो क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ सर अगर ये अमल हस्बैंड और वाइफ़ की जुदाई को ख़त्म करने बिल्कुल किया जा सकता गुलाम सरवर तो आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर उन दोनों के बीच में जुदाई है उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप इस पर कर सकते हो कि बरए होब भी करोगे और आप लोग इसको बरा हसूल हुब और अगर आपने किसी का नाम जैसे मैंने बताया था लिख के फ़ौरन क्रॉस करना है तो वो क्रॉस कर दीजिएगा सर मेरा फोकस बहुत ख़राब हो गया है प्लीज़ दुआ करें नमाज में फोकस हो जाए नमाज के लिए उमायमा फरहान ने सवाल पूछा है फोकस नहीं हो रहा है जैसे आप नमाज पढ़ रहे होते हो तो उसमें फोकस नहीं होता तीन तस्वीर बता रहा हूँ उन लोगों को जो नमाज पढ़े हैं या कोई भी काम करते हैं तो उनका फोकस नहीं होता तीन तस्वियों में सबसे पहली है या समदो या अलीमो या उफु ये तीन तस्बियाँ हैं या समदो या अलीमो या उफु इससे ये भी वैसे तो सेवन डेज के लिए हैं किसी भी वक्त इस तस्वीर को पढ़ सकते हो पानी पे ही दम करके पीना है यानी नॉर्मल पानी या किसी भी चीज पे आप दम करके पियोगे उससे आपको हो जाएगा बड़ा फायदा और ये वो भी कर सकते हैं जो बच्चे हैं जिनको यादाश्त नहीं जिनकी काम कर रही होती और ये अमल जब सात दिन तक करोगे तो सोने से पहले या करीमो या हादियो पढ़ना भी जरूरी है यानी एक ही तस्वीर के ऊपर या करीमो या हादियो या करीमो या हादियो हंड्रेड दानों के ऊपर ये पढ़ना है और ये सेवन डेज़ की तस्वीर हैं इन आपका फ़ोकस बिल्कुल सही हो जाएगा आ, सर फ्रांस एम्बेसी किसी ने पूछा फ़्रांस एम्बेसी वो मैसेज ऊपर भाग गया मैं जाके देख लेता हूँ यहाँ से अच्छा मोहम्मद मोहम्मद ने लिखा है सर फ्रांस एम्बेसी फैमिली वीज़ा दे रही है बिल्कुल दे रही है जी आ, फ्रेंच एम्बेसी देखो अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो तो आगे लिख दिया करो पाकिस्तान क्योंकि दुबई में सारी एम्बेसीज एक्टिव हैं नॉर्वे की एम्बेसी जो लोग कहते हैं पता नहीं होगी कि नहीं होगी फ्रेंच एम्बेसी सब अभी फ्रांस एम्बेसी पाकिस्तान में क्योंकि ये रोला चल रहा है और वो जो केसेज अंदर पड़े हुए हैं वो पेंडिंग में चले गए हैं जाहिर है जब तक कि नया कौंसलेट जनरल नहीं आ जाता नई चीज़ें नहीं हो जाती तो फ्रांस का थोड़ा सा मामला आ, रुका हुआ है लेकिन मेरे अपने हिसाब से ये तकरीबन पाँच या छः जून से नॉर्मल वीज़ा जो है वो ओपन हो जाएगा वो आप फेडेक्स जेरीज के जरिए जैसे भी करना चाहो वो कर सकते हो थोड़ा ये फटे के बाद ठीक है सर मेरा अच्छा ये तो हो गया हमने कर दिया जी हस्बैंड घर पर ना हो तो क्या कर सकते हैं उनका नाम का पहला इनिशियल लिख के आप काट सकते हो मैंने बताया आप उनके लिए कर सकते हो दुआ तो आपने करनी है और आप उनके लिए कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो हस्बैंड घर पे नहीं है तो फिर जो आमिल है ना आमिल से मतलब जो अमल कर रहा है या कर रही है तो उसका बाल चाहिए होगा आपका बाल चाहिए होगा ठीक हो गया और कुछ केसेस में लोग ये करते हैं कि जी किसी बच्चे की कंगी से बाल ले लिया क्योंकि बच्चे डीएनए हैं तो डीएनए वाला जो सिलसिला है वो भी सही हो जाएगा और क्या सराम वालेकुम वाले सलाम अनारी अमल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं कोमल हाँ आपने ये पूछा था आयशा तरीन कह रही है ब्लू टीम काइंडली गाइड कर दें कि सिर्फ एक दिन ही या मैं मल... नहीं, नहीं नहीं इसके लिए कोई वो नहीं है फ़र्श कह नहीं आपने बुध को किया तो फिर जुमेरात को भी कर सकते हो आप जुमे को भी कर सकते हो लेकिन हफ्ते को और मंगल को नहीं करोगे फिर एतवार को भी कर सकते हो इसके लिए दिनों की कैद नहीं है लेकिन ये चूँकि थोड़ा सा तवील होता है नज़र उतारने के लिए यह पहले ज़माने में सबसे ज़्यादा मुस्तनद माना जाता था लेकिन क्योंकि हर बंदा अपने दौर में अपने अपने वक्त के नामों को हीब्रो में ये आ, अमल जब आया था पूरी दुनिया में तो हीब्रो ज़बान में था फिर उसके बाद लातीनी ज़बान में भी आया फिर ऐरबिक में बहुत सारे और ये तसव्वुफ वाले जो फ़कीर हैं वो बता रहे होते हैं कि कौन सा सीक्रेट है कौन सी चीज़ किस चीज़ का जैसे वैक्सीन होती है तो ये शैतानी अमलियात जो होते हैं उसकी वैक्सीन है यह अल्लाह के इसमाय मुबारक वैसे तो बहुत लंबी चीजें होती हैं आयत फला भी पढ़ लो फला भी लेकिन ये उसका इंस्टेंट हल है जो फॉर आपको जवाब देता है ठीक है अच्छा सर ये तो हो गया उमामा आपका फोकस इतना खराब है कि आप लिखे जा रही हो मुसलसल कि आपका फोकस आउट है क्योंकि मैंने तो जवाब दे दिया मेरा फोकस आउट हो गया आपके मैसेज देख देख के अच्छा जी और कौन है ये वीडियो यहीं ओके रूबी यहीं यहीं रहने देंगे आपने लिखा है उनको बिल्कुल सही है जी आ, अपने हस्बैंड और बच्चों के वीज़े के लिए खुद ही बिल्कुल कर सकते हैं ना आप बिल्कुल कर सकते हैं आपने ये पूछा कि अगर ये अपने हसबैंड और बच्चों के वीज़े के लिए करना चाहें क्योंकि ये ज़्यादा सफर के लिए इस्तेमाल होता है स्कील वाले अमल को किया जाता है कि अगर किसी ने आपका वजीफा ये मतलब जो भी पढ़ रहे हो उसका असर नहीं हो रहा और किसी भी आपके ख़ानदान या ख़ानदान के बाहर वालों ने बंद किया हुआ कि भई इनका सफ़र ही ना हो ये मुल्क से निकल ही ना सके ये कील लगते ही धज्जियाँ उड़ जाएंगी उस मैजिक की चाहे ये अमल बनाते ही आपको अंदाज़ा नहीं है वो सेवन आवर्स वो जो सात दायरे आप लगाओगे ना उसमें वो घर से चीखे मारते हुए वो शातीन और जिन्नात निकल जाएंगे और ये बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि अब ये मेरे लिए बड़ा अजाब होता है मुझे लोग कहते हैं कि नहीं आप ये पर्दे खोलते हैं तो आपका मैं अपना हिसाब डेफिनेटली कर रहा होता हूँ तो वो मुझसे तो बहुत उनको होगी कि यार ये क्या बकवास है हम इतनी मुश्किल से जादू करवा रहे होते हैं लोगों से और ये सेकेंड्स में उतरवा रहा होता है और यकीन करो दुनिया की बड़ी बड़ी मुस्ंद किताबें जब खोलोगे सो लाइब्रेरियों का इल्म न छोड़ोगे तो ये एक आपको अमल मिलेगा तो हम यहाँ बैठे बिठाए आपको फ्री में बता रहे होते हैं और मेरी और सिमी के चैनल पे यही एक खासियत है कि हम बातों बातों में इतने वज़ाइफ दे रहे होते हैं इतने कलर्स के बारे में कार्ड्स के बारे में स्टार्स के बारे में आम जनरल जो डिस्कशन होती है हमारा मकसद ये है कि आप सब आसान जिंदगी जिए आजकल प्रॉब्लम क्या है अगर आप किसी को कोई अच्छा एडवाइस करते हो तो वो समझते हैं कि इनके पीछे इनका क्या बेनिफिट है लाइक like मैं अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी का कहता हूँ तो वो कहते हैं इनका क्या बेनिफिट है हमारा कोई बेनिफिट नहीं वो आप ही का बेनिफिट है हम अगर किसी को कहते हैं ओके ठीक है आप हमें कह रहे हो हम कर दो हम कर देते हैं ये ले लो ये तुम्हारा सारा काम हो गया कहते हैं इसका क्या बेनिफिट है बेनिफिट मत देखो इस तरह हर किसी को फायदे के लिए नहीं रखा जाता है आप लोग अपने अपने तौर पर जो करना चाहो कर लो कुछ लोग मिस करते हैं बहुत बुरी तरह से और दुनिया में ये पैसा बड़ी चीज़ है बड़े बड़े रिश्ते फैमलियाँ दोस्तियाँ ख़ानदान बड़े बड़े दूर हो जाते हैं फासले हो जाते हैं तो परख वहीं से हो जाती है कि आप कैसे हो क्या करते हो अच्छा जी मिशी मिशी चांद रात है तीन रोज़े तक करना अच्छा ये तो आ, वो दूसरा किसी का मैसेज है सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए जी स्क्रीन पे चल रहा है दरवाजा हैदर एट होटमेल डॉट काम नहीं नज़र आ रहा तो उर्दू में भी मैंने चला दिया कि मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप दरवाजा हैदर एट होटमेल डॉट काम पर आ सकते हैं फ़ोन पर मीटिंग होती है एंड दब से आप पे करते हो पसंद की शादी के लिए कर सकते हैं मरियम डेफिनेटली मैंने बताया है, शादी के लिए इसको किया जा सकता है अनम यासिंग कह रही सर अगर किसी के दिल नर्म आ, करना हो तो क्या करें आ, मेरी सास ने आ, अच्छा जी जो भी आपकी सास के लिए था वो मैसेज ही भाग गया ऊपर आपकी सास ने कैसा जादू किया होगा आप पे लेकिन ऐसा है नहीं बेचारी एम ही उसको बदनाम कर देते हैं आप तो किधर गया आपकी सांस वाला मैसेज भाग गया ओके चलो जी अब मैं कहाँ से लेकर आऊँ द मीमी वन टू थ्री द बॉम्बे गर्ल हेलो वसीम खान हेलो कैसे हैं सब लोग ठीक है अनाम हेलो काशी आरवियन हेलो जी अमतुलमतीन हेलो सब लोगों को बहुत बहुत सलाम नमस्ते सत हेलो एंड हाय सुपर चैट नहीं है इसीलिए ये शो अभी पच्चीस मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा बड़ा मुख्तर सामने शो किया ठीक है अच्छा जी कैसे सैन प्रॉब्लम है ऑनलाइन जॉब बताएं जी ऑनलाइन जॉब बताएं ऑनलाइन तो आपने जॉब ढूंढनी है ना भाई मैं कैसे बताऊं वो मतलब जो जॉब ढूंढोगे ऑनलाइन बड़ा सिंपल है बहुत सारी यूट्यूब पे आप वीडियोस देखो कि ऑनलाइन जॉब कैसे फ़ाइन करें तो बहुत सारे लिंक आ जाते हैं बहुत अच्छे लोग भी हैं ज़्यादातर अपने व्यूज़ लेने के लिए उल्टी सीधी खबरें दे रहे होते हैं कहाँ जॉब ढूंढनी है ऑनलाइन करना है तो फिर आप एमेजोन के साथ बिजनेस कर सकते हो थोड़ा सा आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप अपनी कोई चीज़ प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हो कपड़ा फूड कुछ भी उसके लिए अकाउंट्स बनाने होते हैं थोड़ा होमवर्क करना होता है कंप्यूटर सीख जाओगे तो ये सारे काम आसान है वरना आप अपने बच्चों को कहें कि प्लीज़ आपकी हेल्प कर दें बुरी नज़र से बचने के लिए बुरी नज़र से बचने के लिए हादिया का मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कि वो जैसे नज़र उतारने के लिए ये होता है बुरी नज़र से बचने के लिए मैं कुछ एक तावीज़ एक लो होती है वो लॉकेट रिंग तावीज़ किसी भी सूरत में आप मुझसे ले सकते हो कुछ लोग हैं जो तावीज़ पहनते हैं तो नज़र आता है कि यार ये तो तावीज़ है अरे इन्होंने ये पहना चलो इसका तोड़ करते हैं तो लोग कर देते हैं अब आप उसी चीज़ को अगर लॉकेट या रिंग की सूरत में पहनते हो तो वो कभी भी डिस्ट्रॉय कोई नहीं कर सकता उनको पता ही नहीं कि कौन सा है क्या है तो मेरा तरीक़ाकार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के साथ जो बुजुर्ग बताते हैं उसको लिक्विड गोल्ड फॉर्म में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में उसी नक्श को या लोह को इस सूरत में भी आपको ट्रांसफ़र किया जाता है ठीक है थैंक यू वेरी मच नूरी नूर ने हमें चैट की है और ये ट्वेंटी डॉलर अमेरिका से भेजे हैं इन्होंने कहा है असल और वालेकम नूरी नूर आपने आगे क्या लिखा है आपने लिखा है कि जी भाई रमज़ान की रमज़ान के चांद का सदका दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आपने ये जो सुपर चैट की है नूरी नूर अल्लाह ताला आपके सदक़े को कबूल करे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े आपके रिस्क में इजाफ़ा करे कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे आपके मन में जितनी ख्वाहिश हैं वो कल का सूरज चढ़ने से पहले पूरी फरमा दे बहुत शुक्रिया और ख्वाब की तबीर सीमी किसी में होगी जी यहाँ पे हम जनरल क्वेश्चन क्योंकि यहाँ सबको ख्वाब आते हैं दिन में भी रात में भी एक को बताया तो सब वही खाब खब शुरू हो जाएगा तो उसका कॉन्टेंट अलग है इसका बिल्कुल अलग है अच्छा जी आ, ये क्या है जी दादा वे तला अच्छा ये तो रऊ भाई ने किसी के लिए मैसेज किया है अपना हिसाब लगवाना हूँ जी हाँ वो आप मुझसे तलाल हुसैन आप जो स्क्रीन पे चल रहा है द राजा हैदर एट हॉटमेल डॉट कॉम इस पर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं मीटिंग ज़्यादा आप करेंगे पे करेंगे और उसके बाद हमारी प्राइवेट जो मीटिंग होती है उसमें आप अपने बारे में कुछ भी पूछ सकते हो ठीक है और चलते हैं ये हमारे पास सुपर चैट आ, जो आई उसके बाद के सवालों की तरफ हम जाते हैं अरीबा ख़ाद के अन्य सर काइंडली टेल मी अगर एक या दो पर्सन के लिए किया जाए लाइक मैं अपनी सिस्टर और अपनी आ, मदर के लिए बिल्कुल कर सकती हैं मैंने बताया कि उसमें तीन विशेज़ होती हैं वो किसी के लिए भी की जा सकती हैं यानी फ़र्ज करें आपकी वालदा का नाम जो भी है उसका पहला इनिशियल लिख के उसको क्रॉस करेंगी और उनकी ख्वाहिश जो भी है बरा सेहत या लंबी उम्र जो भी है और अगर आपकी सिस्टर है उनके बरा हसूल रिश्ता तो उनका नाम उस दुआ के आगे मतलब जो विश है उसके आगे लिख के फौरन क्रॉस कर दीजिएगा तो आप एक में तीन लोगों के लिए भी कर सकते हैं और तीन विशेष के लिए भी एक दिन में कर सकते हैं इस अमल का साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है आ, अमीरा सदीकी देखो मैं आपको वही अमल बताता हूँ जिसकी इजाजत भी मैं दे रहा होता हूँ ज़ाहिर है अगर मैंने पूरी जिंदगी यही काम किया है दूसरे लोगों को इजाज़त दी है तो वो बैकअप पे मैं हूं ये याद रखो कि इसका बड़ा बोझ होता है आप जब किसी मुर्शद के पास जाते हो ना तो वो आपको कहता है कि या समधों का वजीफा पढ़ना है बस अब आपने अनलिमिटेड पढ़ना है पूरी पाँच छः साल के लिए तो उसकी बैकअप है तो उसने आपको दिया और हर किसी को या समों का वजीफा नहीं देगा वो देखता है अपनी बातनी आंख से परवरदिगार की अतः से उसको पता होता है कि इसकी कुंजी है ये इसमें आज़म तो हर बंदे का इसमें आज़म अलग हर बंदे की आय रिटना अलग तकदीर अलग तो ये अलग चीज है इसमें साइड इफेक्ट नहीं है मैंने जैसे बताया कि वो जो नींद का आना है वो कुछ साइड इफेक्ट थोड़ी होता है लेकिन जरूरत से ज्यादा थोड़ी सी नींद आती है और बस ये है, प्यास व्यास थोड़ी बहुत लगती है साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है मैं इसीलिए आपको ये देता हूँ अच्छा जी आ, और उनके अच्छा जी चाहे तो क्या अच्छा ठीक है मैं मैं इसका जवाब देता हूँ मैं ज़रा ऊपर से आ जाऊँ फिर इस सवाल तक मैं पहुँचता हूँ फिर जवाब देते हैं ठीक है और ए, क्या लिखा है सर जजाकर थैंक यू जी बहुत शुक्रिया सब लोग जो दुआएं दे रहे हैं प्यार कर रहे हैं बहुत शुक्रिया सर अगर कोई घर का बुज़ुर्ग दुनिया से चला जाए यानी जो इस दुनिया में नहीं है फोत हो गए हैं तो अगर उनको ड्रीम में देखना चाहें या कम्यूनिकेट करना चाहें तो क्या कोई वे है इसका कुछ पढ़ाई देखो इसके लिए एक वजीफा होता है इसके लिए एक वजीफ़ा है वजीफ़ा क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप किसी बुज़ुर्ग को देखना चाहें तो उसे सात रोज़ा वजीफ़ा या एक अमल कहते हैं कि आप उनको ख्वाब में देखते ही देखते हो उन सात दिनों में यानी वो आपके साथ जो भी आपके जहन में है एफर्ट्स करो आप अपने बुज़ुर्ग से पूछते हो कि आप हमसे राज़ी हैं आप खुश हैं आप जो भी ऐसे सवाल होते हैं या जो भी पूछना वो आपके ख्वाब में आके आपसे कम्युनिकेट करते हैं एक इसके लिए आपको सात रोज़ का ये जो वजीफा है इसमें पाँच की पाँच नमाजें नहीं मिस करनी होती यानी सात चक्कर का जो वजीफ़ा है सेवन डेज फाइव नमाजें पढ़नी चाहे आप फजर जहरैन मक़रबैन पढ़ते हो या जैसे भी फाइव टाइम पढ़ते हो आपको पाँच नमाजों का पढ़ना जरूर होता है तस्बियाँ लिख लो समझाता हूँ इसके अलावा दूसरा वे है वो भी बता देता हूँ पहली तस्वीर या खुदूस हो ये रात को सोने से पहले आपने पढ़नी होती है बावज़ु हो सोना होता है ये तीन तस्बियाँ हैं और बहुत सिंपल सा है या कुदूसो या वकीलो या बदियो या वकीलों के बाद या बदियो ये तीन अलग अलग तस्बियां ये पढ़ के आपने सो जाना मतलब दुआ करते हुए कि जिसका भी ख्याल है उसका ख्याल लाना है कि आपने ये सवाल करने और सवाल भी दिमाग में होंगे और फिर एम करके सो जाना देखो नींद क्यों नहीं आती क्योंकि हम जब आंखें बंद करते हैं तो दिमाग में हम फिल्म चलाते हैं सुबह ये हुआ था रात को ये कल ये करेंगे इसलिए फाइव मिनट साइंस ये कहती है पाँच मिनट एम कर दें बाहर की आवाज़ भी नहीं सुन रहे बस आंखें बंद करके ब्लैक करें और उसी पाँच मिनट में आपका स्विच ऑफ होगा और आपको नींद आ जाएगी जो कि बड़ा मुश्किल काम होता तो आप ये करो एक तो ये तरीका है कि इसमें पांच नमाजें पढ़नी है सेवन डेज के अंदर अंदर कभी कभी पहली रात ही आ जाता है कभी कभी आपको सात दिन का चक्कर काटना पड़ता है और अगर पहली रात ही आपको सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है सेकेंड जवाब इसका तरीका क्या होता है जिसमें लोग कहते हैं कि जी हजरात का एक इल्म है हजरात के दो तरह के इल्म होते हैं एक वो होता है जो नेल के ऊपर एक ख़ास सियाही तैयार होती है जो आप अपनी नेल या हथेली के ऊपर लगाते हो किसी नाबालिग बच्चे को दिखाते हो एक तो वो तरीका है कि क्या हुआ था चोरी कैसे हुई फला 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 उसके लिए भी साहिब शरीयत होना ज़रूरी है नमाज़ पन जगाना या बड़ा जो आबद वजाहिर ताहिर टाइप की जो पर्सनालिटी है सिर्फ वही लोग करते हैं आम गलत लोग इसको जो हजरात का इल्म है वो नहीं कर सकते हैं इसी का एक सेकेंड वर्जन होता है जिसमें आप आ, जो स्मोक जो कैंडल स्मोक वजीफ़ा जिसको कहते हैं धुएँ वाला अमल वो आप करते हो और उसमें आप उनसे बात कर सकते हो लेकिन उसके लिए बड़े बड़े लोगों की टांगे काम जाती हैं उसके लिए तीन लोगों का साथ बैठना ज़रूरी होता है ये जो इंग्लिश फिल्में में बनती है ना ये बेसिकली इन्हीं के ऊपर बेस कर रही होती है और उसको मोल्ड करके अलग से बता देते हैं इसमें तीन ग्लास चाहिए होते हैं तीन कैंडल्स चाहिए होती हैं आपको नंगे पाँव बैठना होता है सिया रंग का लिबास पहनना होता है कमरे को बिल्कुल बंद करना होता है एयर को बंद करना होता है कि हवा बिल्कुल भी ना हो ए अगर कहीं चल रहा है तो आपने कूल कर लिया कमरे को और फिर बंद कर दो ए को हवा बिल्कुल नहीं चाहिए यानी मोमबत्ती जो है वो आपकी सांस से तो हिल सकती है लेकिन हवा से नहीं हिल सकती उसके लिए अगर वो कहोगे वो थोड़ा मुश्किल है उसके लिए इस वजह से यह नहीं बता रहे कि उसके लिए आप पर्सनली ई कर दो तो वो तरीका है उसमें आप बात सुन भी सकते हो आप वो थोड़ी देर के लिए और वो स्मोक वाले वजीफे को वो लोग करते हैं ठीक है चलो आगे चलते हैं हाँ रूहानियत के वाइफ़ बता दे कौन सा रूहानियत का वज़ाइफ भाई हम सब बता रहे हैं हम तो जो भी कोई पूछ रहे हैं, उसका बता रहे हैं आप किस चीज़ का पूछ रहे हैं आ, और कोई सवाल है तो मैं देख रहा हूँ सर प्लीज़ ये बता दें कि बेच बच्चे और बेटियों को हर तरह की बुराई से दूर करने का वजीफ़ा अच्छा आमनाज लाइफ पूछ रही हैं कि बच्चों और बच्चियों को किसी भी तरह की बुराई से दूर करने का वजीफा इसके लिए बच्चों को आप नाइन डेज़ के लिए दम वाला पानी पिलाते हो वो कोई बड़ा क्राइम नहीं करेंगे वो आपकी इज्जत का जनाजा नहीं निकालेंगे वो तस्वियाँ हैं फाइव तस्वियाँ हैं आप उसको ईशा की नमाज़ में पढ़ के पानी पे दम करोगी ईशा की नमाज में आप पढ़ सकते हो पहली तस्वी है या रउफो लिखते जाओ दूसरी तस्वीर है या मुकीतो तीसरी तस्वीर है या हादियो चौथी तस्वीर है या वकील हो और पांचवी तस्वीर है या बासितो उनके लिए ब्रेन रिस्क हर चीज अपनी अपनी जगह पे बैलेंस होगी वो अपने टारगेट पे जाएंगे तो वो बेराह रवि का शिकार नहीं होंगे ये पानी पर रात को दम कर लिया करो चाहो तो उसी वक्त पिला दो चाहो तो उसी पानी से सुबह उठ के उनको पिला भी दो चाय भी बना दो खाना भी बना दो बड़ी बॉटल पे दम करके सब बच्चों को आप पिला सकते हो तो बस आप इसको मुख्तल लोग नौ दिन करो ग्यारह दिन करो लेकिन इससे बेहतरीन कोई वजीफ़ा है नहीं आपको खुद ही पता चल जाएगा प्लीज़ सुपर चैट कर दें यार आज सिर्फ एक ही सुपर चैट है हैरत की बात है और रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी मिनट

पहले आप कूदो आतिश नमरूद में उसके बाद वो गुलजार है या आगे इसका पता चलेगा ठीक है तो आप थोड़ा एफर्ट करो यूके के वीजे के लिए और यूके के लिए इतनी एफर्ट करो और बहुत सारे ममालिक आसानी से आपको वीजा देते हैं यूके बॉर्डर एजेंसी ने तो कहा है कि हम तो अपने मुल्क में असालम जो हैं उनको भी निकाल रहे हैं जो इलीगल हैं सबको निकाल रहे हैं कुछ को सजाएं भी दे रहे हैं वो और उनका धन दौलत भी छीन रहे हैं आपको पता है तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि स्लिप हो जाओगे अब स्लिप वाला दौर नहीं रहा कोविड 19 के बाद उनके दिमागों में इतना कुछ चीज़ें आई हैं कि उन्होंने अब वन वर्ल्ड ऑर्डर जो ये शुरू हो रहा है या हो चुका है काफ़ी दुनिया में अब उसके ऊपर बेस करती है पूरी दुनिया तो अब नए जो ऑर्डर आएंगे आपको पता चल जाएगा ठीक है अच्छा जी ओके थैंक यू थैंक यू अनम थैंक यू बहुत शुक्रिया ये ब, मैं एक सेकेंड ज़रा मैं कुछ या मुझे भी करना है थैंक यू वेरी मच जी और रूबी थैंक यू एक ही मैसेज को जो बार बार कॉपी पेस्ट करके कर रहे हैं उनको बैन और ब्लॉक किया जाता है हमारे शो में क्योंकि मैं अन्ना नहीं मैं नजर आ रहा है और आप उसको इतना इरिटेटिंग बना देते हो कि सारे स्क्रीन पे वो चल रहा होता है तो ये हमारी टीम जो कर रही है आपके साथ ये उसका जवाब है तो प्लीज डोंट डू दिस अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी आई छिन जाए आपका साइबर क्राइम में नाम चला जाए भले ही आप अच्छे मकसद के लिए कुछ पूछ रहे होगे लेकिन आपके लिए ये हानिकारक है मुजर सेहत है तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल नहीं करो ठीक है एंड थैंक यू थैंक यू मेरी पूरी टीम के लिए बहुत शुक्रिया ओके okay, आगे चलते हैं जी सिम इकबाल कह रही है हैंकुम सर वालेकुम सलाम जी आ, मेरी अर्लियर प्रेगनेंसी का स्पॉटिंग हो रहा है प्लीज़ एक मिस हुआ था पहले कोई ऐसा वजीफा अच्छा मैं एक नॉर्मली मेरी बहना इसके लिए एक नक्श मेरे अबू भी बनाते हैं मैं भी बनाता हूं हम दोनों बनाते हैं वो जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हो तो फिर कमर के साथ आप उस तावीज को बांधते हो रात को बांध लो कभी एक टाइम बांध लो कभी बांध सकते हो वो एक तो वो होता है दूसरा एक वजीफा होता है कि आप जब प्रेग्नेंट हो जाते हो तो उसे पांच हफ्तों तक यानी जरूरी नहीं कि रोज आना ही वो तस्वीया पढ़ो पांच हफ्तों तक आपने पीना होता है यानी एक हफ्ते में अगर एक बार भी वो दम वाला पानी पी लोगे तो मिस कैरेज वाला चक्कर या ख़ुदा खास्ता वो जो डेंजर जोन में जाता वो नहीं होगा पहले तो बहुत शुक्रिया ये आर खालिद हैं इन्होंने हमें यूके से फाइव पाउंड भेजे हैं सदका फ़ॉर माय मॉम एंड माय फैमिली बहुत शुक्रिया सदका कबूल हो परवरदिगार आपकी वालदा को लंबी उम्र दे ज़िंदगी दे खुशियाँ दे आपके सर पर उनका साया सया कायदायम रखे आपकी पूरी फैमिली को सलामत रखे कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे आपकी इबादतों को कबूल करे जो भी रमज़ान में आप दे रहे हो हाथ का दिया या आखिरत में भी इसी तरह काम आए तो वो मेरी बहनें जो इसमें देखो होता क्या है क्रोमोसोम अगर वीक है आप इलाज जरूर करवाया करो वजायफ के साथ साथ दुआ और दवा दोनों बड़ी ज़रूरी होती हैं मर्द बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं कि नहीं हम क्यों जाएं डॉक्टर के पास क्योंकि औलाद अगर पैदा नहीं हो रही तो इसमें औरत जिम्मेदार नहीं है सिर्फ़ औरत के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लेकिन मर्द भी उतना ही ज़िम्मेदार है कि अगर वो नहीं है तो आप इसमें शर्माने वाली कोई चीज़ नहीं पेट में दर्द है दिमाग में दर्द है दिल में दर्द है कहीं भी रसोली है तो आप इलाज करवा के उसको निकालते हो ठीक करवाते हो तो ये भी इलाज है और ये काबिल इलाज मर्ज होते हैं ये वाली चीज़ें हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं ना मर्दी है तो वो नहीं है उसका कोई इलाज वो आप नहीं कर सकते हो आ, तो ये वाली जो चीज़ें हैं इसमें आप अगर डॉक्टर्स बिल्कुल कह रहे हैं जी बिल्कुल क्लियर है रिपोर्ट सही है आप जाहिर है अगर वीक नहीं है स्पॉम्प तो फिर आप लोगों को जो मैं तस्वीं बता रहा हूँ ये एक नायाब तस्वीं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है आ, जो भी है उसको ये निकाल देगा बिल्कुल ठीक करेगा लिखो सबसे पहले आपने लिखना है या मुसविरो पांच तस्बिया ये पढ़ना अलग अलग है सबको या मुसविरो फिर उसके बाद या खालिको या मुसविरो या खालिको या बसीरो या समीयो या हसीबो या समीयो या हसीबो ये तस्बिया ये एक वीक में एक दफ़ा पढ़ो या पूरा वीक भी पढ़ सकते हो लेकिन पांच वीक आपको जब प्रेग्नेंट हो जाओ तब पढ़ना है तो वो आपको अगर लगे कि इस हफ्ते नॉर्मल है मतलब ठीक है हमें पता चल गया हमने रिपोर्ट ले लिए तो फिर आप ये करो फिर कभी भी इंशाल्लाह नहीं होगा हमारे पास एक चैट आई सुपर चैट आई है इंग्लिस्तान यानी यूके से और ये चैट हमें भेजी है नादिया अली ने नादिया अली फ़रमाती हैं अमुम जी वालेकाम रमज़ान मुबारक आपको भी नादिया बहुत बहुत रमज़ान मुबारक सर प्लीज़ प्रिफोम माई मदर हेल्थ उनकी वालदा की तबीयत ख़राब है शी इज़ इन क्रिटिकल सिचुएशन प्लीज़ ऑल्सो प्रे जमेन आई वीज़ा मैटर और इन शह ओके थैंक यू थैंक यू पहले तो बहुत शुक्रिया नादिया अली आपकी uh, वालदा की सेहत के लिए परवरदिगार बीमार करबला के सद के इनको सेहत शिफाए कामला वाजला अता करे लंबी उम्र अता करे इनका साया आपके सर पर कायम उदायम रहे इनकी मुश्किलें आसान करें और आपके वीज़ा के लिए आपकी इमिग्रेशन के लिए जितना भी है आसानियां परवरदिगार पैदा कर दे वो अपनी एम्बेसी से आपके लिए ठप्पे लगा दे जो आपने दिया है दुनिया और आखिरत में भी रोशनी बन के आए और यहाँ भी उसका सलाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सद के आपको मिले बहुत शुक्रिया टन पाउंड आपने सुपर चैट किया है अल्लाह ताली कबूल करे और राजा भाई प्लीज़ कीप दिस वीडियो इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव अच्छा मिमी वन टू थ्री वैसे है तो कुछ भी नहीं मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस उड़ा दी आपको पता है जिसमें मुझे लग रहा होता है यार ना तुम ठीक है क्या है इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है लेकिन जो आप कहते हो कि यार ये होनी चाहिए तो ठीक है आपको अगर सही लग रही है क्योंकि मेरी ज़्यादा वीडियोस वो देखी जाती हैं जिसमें स्टार्स होते हैं ये वाली वीडियोज़ पैंतीस चालीस हज़ार लोग देख रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ चलो उसमें से एक के भी काम आ जाए तो अब मैं इसलिए वीडियो डिलीट नहीं कर रहा होता अच्छा जी तानिया मेहर कह रही हैं सर मैंने इसलिए नहीं करती अमल मुझे डर लगता है मगर हमारे घर में कुछ हो तो वो नुकसान ना पहुंचाए, बिकॉज मेरी खाला ने एक वजीफा किया था वो बहुत हंसती थी तो मैं डर गई ओके okay, तानिया बात यह है कि जो भी वजीफ़ा आप करते हो यूट्यूब से देख के मत शुरू कर दिया करो ठीक है दो चीज़ें हैं एक तो मैं बैठा हूँ गारंटी मैं हूँ मेरी ये वीडियो जब तक कायनात है ये पड़ी रहेगी यूट्यूब डिलीट कर दे या कोई और कर दे तो वह अलग चीज़ है तो मैं अपने लफ्जों का हूं मैं अपने के बिहाफ पे वो बात करता हूं तो मैं गलत हो सकता हूं मैं झूठा हो सकता हूं मेरा रब झूठा नहीं हो सकता तो अगर आप किसी को इतना सिक्योर कर रहे हो प्रोटेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि कुछ सॉलिड है ना पीछे रीजन तो मेरी इजाजत देने का मतलब मैं कितने लोगों को कर सकता हूं एक टाइम में टेन थाउजेंड एक लाख दस लाख अनलिमिटेड मैं जितना चाहूँ सिक्योर कर सकता हूं अब दस लाख लोग थोड़ी करेंगे वो वजीफा उसमें भी लिमिट है ना कि आपका इतना कोटा है जी आप ये कर सकते हो दूसरा अगर वो बगैर मुर्शीत के करते हैं फिर इजाजत की जरूरत होती है आपको किसी ने कहा जी सवा लाख दफा ये पढ़ दो तो आपने वो शुरू कर दिया वो आपके लिए था ही नहीं वो आपकी मेडिसिन थी नहीं आप कुछ और कर सकते हो तो इसकी गारंटी है कि आप हंसोगी नहीं मतलब नॉर्मल जैसे मैं हंस रहा हूँ ऐसे मैं बाहला लग रहा हूँ अभी भी हंसते हुए लेकिन आप हंसोगी नहीं या कुछ भी नहीं होगा खुदा न खास्ता दमागी तौर पर इसकी गारंटी मैं मेरे रब के भी पे दे रहा हूँ ये हंड्रेड परसेंट सिक्के हो रहे इसमें कोई नुकसान नहीं है ठीक है ओके बाकी यहाँ पर मैं देखता हूँ जरा यह है क्या जी ठीक है ओके आगे चलते हैं जी ऑस्ट्रोनाथ हेलो ऑस्ट्रोनाथ इन वंडरलैंड अच्छा इन वंडरलैंड है ये सारी जितनी भी सहेलियां हैं सिमी की ये यहाँ के चीजें ले रही होती हैं कि कोई ऐसा ऐसा काम तो नहीं हो रहा है यहाँ पे और ये फिर बता रही होती है सिमी मैम को सहेलियां हो तो ऐसी आई ओके थैंक यू आ, इसी कह रही है मैं भी अमल करूंगी इन मुझे मैं रोज आना एक अमल अब आपको दूंगा मैं कोशिश करूंगा ये अमल एडिट करके सिमी के चैनल पे जल्द अज जल्द हम इसको डाल दें ठीक है और आगे क्या है जी असल राजा भाई वालेकुम वालेकाम अबू के लिए दुआ करते हैं जी आपके वालद के लिए कमल किचन कह रही हैं बहुत सारी दुआएँ आपके वालद के लिए जी सलामत रहे हैं वो शजर हैं उनके सये में हमेशा फलती रहें उनको अल्लाह जिंदगी दे उनकी मुश्किलें आसान करे उनके रिस्क में इजाफा करे बहुत शुक्रिया मलिक हसनैन अली कह रहे हैं कि जी पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगना चाहता हूँ वजीफा बता दें हसनैन भाई वजीफा सब इंस्पेक्टर का नहीं होता <laughs> सरकारी मुलाजमत फोर्सेस एजेंसियाँ इन में जाने के लिए एक ख़ास वजीफा ये परवरदिगार ने ये जो चार तस्वीर रखी हैं ये आप तेरह दिन तक पढ़ोगे लेकिन ये नहीं है कि पढ़ोगे और कहीं से ऑफर आ जाएगी उसके लिए एफर्ट डेफिनेटली करोगे एप्लीकेशन दोगे आपका ये सफर आसान होगा सबसे पहली तस्वीर है या कबीरो या कबीरो नोट करते जाओ वरना ये वीडियो यही होगी आप देख लेना दूसरी तस्वीर आप लोगों को पढ़नी है या रकीबो तीसरी तस्वीर आप लोगों को पढ़नी है या वकीलो और चौथी तस्बी आपको पढ़नी है या मालिकुल मुल्क ये चार तस्बीया इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है एक तरीका होता है कि आपने उल्टा हाथ अपने सर पे रखा है तब तस्वीया पढ़ते हो और उसी हाथ को आप अपनी आंखों पे लगा के पांच बार दरूर शरीफ पढ़ते, पढ़ते पढ़ते अपनी आंखों पे हाथ लगाते हो तो फिर परवर दिगार आपके चेहरे में आपकी बॉडी में एक ऐसी एनर्जी और मकनातीजी ताकत डाल देता है कि आप रिजेक्ट नहीं होते हो कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप इस अमल को कर सकते हो इंटरव्यू में कामयाबी होगी कि बहुत सारे लोग जो आपके या मुर्शद या कोई भी एक अच्छे वाले जो आमिल होते हैं वो जब आप उनको कहते हो तो वो ये अमल करके आपके लिए दुआ कर देते हैं तो अगर आप खुद करोगे तो उसका सोचो कितना फ़ायदा होगा तो हम चाहते हैं आप पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर आई जो भी बनना चाहो ज़रूर करो और कामयाब हो हम तो चाहते हैं जिस जिसकी जो जो ख्वाहिश है ये बड़ी मामूली ख्वाहिश है और रब पूरी कर देगा क्योंकि नेक नीयत ही बड़ी ज़रूरी है कुछ होते हैं जो कहते हैं जी हम कस्टम में लग जाए दुआ करवा दें नीयत क्या होती है कस्टम में बड़ा माल है यार बड़ी ठीक था वो नीयतें तो वो कस्टम में लग नहीं सकते नीयत अच्छी होनी चाहिए अगर आप मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए करना चाहो तो आ, मनाल बेग थैंक यू थैंक यू बहुत शुक्रिया तस्वीरियाँ लिख दी हैं हमारी बहुत सारी टीम है जो अभी हमारा खान गैंग में नहीं है ब्लू टीम नहीं है फिर भी हेल्प करती हैं अल्लाह ताला ज़ा खैर दे जी आप सब लोगों को जितनी भी हमारी ये टीम है यू ऑल आर ऑसम थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आप लोगों का बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आप सबकी इबादतों को कबूल करे आपकी मुश्किलें आसान करें जिनों जिन्होंने सुपर चैट की हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया एंड मोर सुपर चैट प्लीज़ जहाँ ये नीचे डॉलर का निशान है ऐसे क्लिक करो तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप कुछ भी भर सकते हो अगर आप पाकिस्तान में हो या अरब मुमालिक में जहाँ नहीं दी जा सकती तो उसके दो तरीके हैं आप डायरेक्टली मुझे ईमेल कर दो मनीग्राम वेस्टर्न यूनियन और मुख्तलिफ उससे भी भेजे जा सकते हैं बैंक अकाउंट में भी डायरेक्ट आप डाल सकते हो और आजकल जो सबसे ईजिएस्ट वे है वो है क्रिप्टो करेंसी आप क्रिप्टो करेंसी अगर आपके पास है तो आप उसमें भी पे कर सकते हो जिसमें कोई टैक्स टैक्स नहीं लगता है और आप फ़ौरन दे सकते हो हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं हमारी साथी हैं बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो क्रिप्टो में नॉर्मली पे करते हैं कि जी मेरे पास ये है मेरे पास बिटकॉइन है मेरे पास ये है तो उसका जो भी पार्ट होता है जो भी आपकी फ़ी होती है या सदका में देते हो या आ, वो जज़ाय खैर ज़ाहिर है आपके लिए बहुत शुक्रिया तो आप क्रिप्टो करेंसी में भी हमें पे कर सकते हैं हम द फर्स्ट वन जो क्रिप्टो को एक्सेप्ट करता है गूगल के बाद और एप्पल के बाद तो जाहिर है एप्पल के बाद तो वाटर मेलन ही करेगा तो, ओके अब कौन है जी मेरा बेटा बहुत बदतमीज़ है हद से ज़्यादा शैला कह रही है और कह रही है प्लीज़ उसके वास्ते कुछ कर दो अच्छा बेटे के लिए काम कर रहे हैं अब वो एज क्या है मुझे नहीं पता शैला आ, बेटा अगर तो काबू में नहीं है एक तो होता है ना छोटे बच्चे हैं आठ नौ दस साल तक हैं तो जब वो सो जाते हैं तो उसके लिए एक धागा तैयार होता है वो धागा लाल रंग का धागा होता है वो मैं भी भेज सकता हूँ आपको थोड़ी मोटी डोरी होती है अक्सर आपने देखा होगा लोग मन्नत का धागा बांध लेते हैं या फिर एक, एक, एक लॉकेट की सूरत में एक चीज़ होती है जो टेहुन आप बच्चे को पहनाते हो खूबसूरत सा होता है वो पहना देते हो उसके ऊपर बहुत सारी पढ़ाई हुई होती है लेकिन जब तक आपके पास वो चीजें नहीं है आपको तस्वीं बता रहा हूं ताकि बच्चा जो है वो आपके कंट्रोल में रहे वो बदतमीजी ना करे मतलब जो भी कहे वो इसमें थोड़ा सा ये है कि जो एंग्री बच्चे हैं बहुत ज्यादा आ, उनके लिए आप जब ये करोगे तो शांत हो जाएंगे और ऑलरेडी शांत है तो उनके लिए ना करो वरना वो बिल्कुल ही चुप हो जाएंगे उनके लिए जरा मुश्किल हो जाएगी तो तस्वीर लिखो एक तस्वीर है ये जुलझलाक्राम पहली तस्वीर दूसरी तस्वीर है या रहमानो तीसरी तस्वीर आपने पढ़नी है या बाकी हो बस ये तीन तस्वीर हैं बच्चों पे पढ़ के दम करेंगे आप अल्लाह ताला करम करेगा और बहुत सारी आपको इसके बेनिफिट पानी पे दम करके पिला दिया करो और बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा ठीक है तो अभी आगे चलते हैं हम देखते हैं कौन है जी यहाँ पे काफ़ी सारे देखो बार बार कोई हम कहते हैं एक तो थम्सअप कर दिया करो या लाइक को हिट कर दिया करो आते ही आप लोगों से गुजारिश होती है कि लाइक लगा दिया करो ताकि हमें पता चले कि हम हलाली माँ बाप के बच्चों के लिए ट्रांसमिशन कर रहे हैं प्रोग्राम कर रहे हैं बाकी अगली कहानी तो तुम भी जान दे न जी ठीक है और जो भी यहाँ लोग हैं उन लोगों से गुजारिश है कि बार बार कोई भी एक ऐसा मैसेज जो अब मुजर सेहत है फैमिलीज देख रही होती हैं कोई ऐसी बात मत लिखो ओवर क्लेवर होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर साइबर क्राइम में और आपके नामों को बार बार डाल दिया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों में ठीक है ओके अब चलते हैं जी डिप्रेशन आ, का बताइए राजा भाई ब्लॉग एंड गेमिंग चैनल देखो यार डिप्रेशन के लिए तो मेडिसन लेते हो एक अमल बता रहा हूँ सिंपल सा है इसके लिए परिंदों को दाना देना होता है या खुराक देनी होती है या बाजरा लेना होता है इस बाजरे के ऊपर आपने अमल करना होता है बाजरे के ऊपर कैसे अमल करोगे यानी एक किलो बाजरा ले लो बहुत सस्ता मिलता है बोर्ड फूड अगर जो दूसरे लोग हैं बाजरा नहीं मिल रहा दूसरे मुल्कों में परिंदों का खाना थोड़ा सा लेकर आ जाओ वो जब खाना लेकर आओगे आप तो उसके ऊपर आपने तीन दिनों से अपने पास रखना बंद कर दिया करो डब्बे में ताकि चिंटिया ना आ जाए कीड़े ना आ जाए क्योंकि ऐसी खुराक पे आ जाते हैं और तीन दिन आपने उस पर पढ़ाई करनी है पढ़ाई क्या करनी है ये बड़ा ही लाजवाब बहुत ही अच्छा अमल है और आपको डिप्रेशन से आजाद करेगा आपको अंदाजा नहीं है ठीक है लिखो सबसे पहले तस्वीर आपने पढ़नी है एक तस्वीर या अजीजो या अजीजो एक तस्वीर आपने पढ़नी है या नूरो एक तस्वीर आपको पढ़नी है या जलीलो और एक तस्वीर है या जब्बारो ये चार तस्बियां हैं जो डिप्रेशन के लिए जब भी मतलब डिप्रेशन के लिए सेवन डिफरेंट वजाइफ़ हैं लेकिन ये उनमें से एक वजीफ़ा है जिसको आप पढ़ के अपने ऊपर और पानी के ऊपर और जो बाजरा है उसके ऊपर करोगे ठीक है तीन दिन पढ़ना है उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके भी बाजरा आप परिंदों को डाल दोगे तो आप डिप्रेशन से ऐसे निकलोगे आपको लगेगा कि वो जो परिंदे हैं जिनके लिए तस्बियाँ पड़ी हैं और वो दाने खा रहे हैं वो हवा में आपके लिए दुआएँ खास करते हैं क्योंकि हर चीज़ का एक सीक्रेट होता है जो हमें नहीं पता चल रहा होता तो चिड़िया को जिस दर से दाना मिलता है वो उसके लिए दुआ करके ही उड़ती है परिंदों को जब आप खाना देते हो तो वो जाते हैं वो एहसान नहीं लेते आपका वो दुआ करते ही करते हैं तो उनको देने के बदले ये बाद उतारना गोश देना ये आप अपनी बला उतार रहे हो वो बेसिकली खाते हैं उसके बदले में एक तो बला लेकर जा रहे हैं सबसे बड़ा एहसान ये है और दूसरा ये है क्योंकि वो ह्यूमन के साथ जुड़ी होती है आप पे किसी ने जादू किया आप उसको उतार के किसी इंसान को अगर खिला रहे हो तो वो अगर आपका बहन भाई नहीं है कोई अलग है तो एक तो उतर गया लेकिन लोग परिंदों को इस वजह से डालते हैं क्योंकि वो इंसान नहीं है वो परिंदे हैं वो जानवरों को डालते हो जानवर है तो आपके लिए वो ज्यादा बेहतर हो जाता है ठीक है ओके आगे चलते हैं जी यहाँ और क्या क्या लिखा है ओके टाइम तो बिल्कुल हो गया जी खत्म फाइव मिनट है हमारे पास क्योंकि मैम बहुत गुस्सा करती है मैम बहुत गुस्सा करती है मैम का पता वो भी आ जाएगी मेरा टाइम मेरा टाइम ओके थैंक यू जी आ, या, या बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है आप वज़ाइफ़ ही लिख रहे हो मैं और जो चीज़ें देख रहा हूँ और भाई अगर कोई दुआ आ, की कबूलीत के लिए अल्लाह पाक पर भरोसा रख के आ, बताना क्या ये ग़लत है दुआ के असूल के लिए अल्लाह पर भरोसा ही रखना पड़ता है लोग कहते हैं कि नहीं हो रही कबूल तो छोड़ दो आगे बढ़ो बट मुझे उम्मीद है अल्लाह पे अच्छा शुगुफ्ता देखो पहली चीज तो ये है यार कि आप बहना अगर तो ये सोच रही फर्ज करो मुझे नहीं पता आपकी क्या दुआ है हमारे नॉर्मल सिक्सटी सिक्सटी फाइव परसेंट लड़कियां जो है उनकी दुआएं उनका किनका कौन का मिल जाए और वो उनके साथ प्ले बॉय वाली जिंदगी जी रहा होता है आता है इश्क याद निकला खाया पिया गिलास तोड़ भी दिया खा पी भी लिया हम उसको तोड़ने के लिए इंतजार में बैठे होते हैं जबकि वो अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं एक दुआ की बात बता रहा हूं अगर तो ये उस तरह की दुआ है तो वेस्टिंग है। वो दिल मोड़ने के लिए भी उन्हीं के दिल मोड़ता है जिनका आपके साथ पेड़ बना होता है मैच हुआ होता है जो जोड़ा लिखा जाता है कभी कभी आपने देखा राह राहरास पे एक झटके में आ गए वो नसू जैसी तोबा करने वाले बड़े कम लोग हैं शायतीन बड़े हैं अब अगर आप उसके इंतजार में हो तो वो ये नहीं है कि अल्लाह कबूल नहीं करेगा अल्लाह इसलिए कबूल नहीं कर रहा कि आपके लिए अच्छा नहीं है आप तो अच्छी हो अल्लाह के लिए तो वो क्यों देगा ऐसा बंदा जिसको पाने के दो दिन बाद आप ये कहो कि अल्लाह मैं बेवकूफ थी मेरी दुआ कबूल क्यों हुई ये क्या कर रहा ये क्या हो गया खुदा की कसम तीन दिन पहले की बात बता तो हमारी एक बहन है फ्रांस में वो और उन्होंने जिस लड़के से मुहब्बत की वो उनका चचाद है मतलब कजन है और कजन को इन्होंने पसंद किया स्मार्ट बहुत अच्छा और वो डेंटिस्ट है जो इनके हस्बैंड हैं तो सब कुछ गुडी गुडी है हस्बैंड फ्रांस में थे हस्बैंड ने आके निकाह किया इनकी मतलब ज़ाहिर मोहब्बत थी तो मोहब्बत से पहले बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मिल रहे होते बात नहीं करते बस इतना ही फोन पे हेलो हाय बस तो वो जरा रिजर्व है वो जो हमारे ये जो बहन है इनके जो हस्बैंड है वो बहुत पैसा कमा रहे हैं हर चीज़ कमा रहे हैं और तीन चार पांच साल शायद इसे ही चला अफेयर जो इश्क है टूट के चाह इन्होंने कहा मेरी हर दुआ हर मन्नत हर इमाम बारगा हर दरगाह पे धागे बांधती थी कि मेरी शादी हो शादी हो गई जी हो गई खुश हुई जाहिर है शादी होने के बाद पेपर वर्क हुआ निकाह हो गया यहाँ पे सिर्फ निकाह हुआ उन्होंने कहा जी रुखसती तभी करेंगे जब इनका वीज़ा होगा ये नहीं है कि अभी हमारे घर बैठी रहे तो रुखसती हो गई वो वहां गई उनकी ज़िंदगी पाश पाश हो गई वो बंदा बहुत अच्छा था लेकिन वो नॉर्मल नहीं था नॉर्मल से मुराद के फिज़िकली नॉर्मल नहीं था इस लड़की वो बहुत तकलीफ़ हुई इसने बताया नहीं किसी को ज़ाहिर है माँ बाप फैमिली उसने हाथ जोड़ा उसने कहा मैं नहीं करना चाहता तुम ये ज़िंदगी में थी लेकिन मैं क्या करता मुझे नॉर्मल रहना है दुनिया में तो मैंने एक हिजाब सा लिया हुआ कि मैं कैसे बताऊं लेकिन मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में ये कह रही है कि मुझे उस मोहब्बत का वास्ता उसने जब दिया मैं तलाक लेने लगी थी मुझे कोई नेशनैलिटी नहीं चाहिए ज़ाहिर एक लड़की है उसकी भी अरमान है औलाद चाहिए फला चाहिए उन्होंने कहा हम अडॉप्ट कर लेंगे हम उसको अपने बच्चे का नाम दे देंगे इनको अच्छा लगा इन्होंने कहा ठीक है लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ यहाँ उसको यह समझ आ गई बात कि गलती पे ये थी ये नहीं गलती पे यहां क्या है लक दो चीज़ें यहां मेरे रब ने किसी यतीम को पलवाना था इसलिए किसी को नामर्द कर दिया समझ आ रही है किसी औरत को बाँच कर दिया अब औरत का कोई कसूर नहीं है मर्द का कोई कसूर नहीं है अगर वो अपनी वजह से नहीं है वो रब किसी यतीम को पलवाने के लिए किसी के घर में एक नामर्द पैदा करेगा क्योंकि उसको ये भी पता है कि किसी जमाने में फला बच्चा यतीम होगा उसकी परवरिश के लिए ये आएंगे तो उसकी जो तकसीम है वो कुछ अलग है कभी कभी वो दुआएं नहीं कबूल कर रहा ना तो इसके पीछे बहुत गहरा राज है जिद नहीं लगानी और अगर आपको लगता है आपने पास होना है 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 मुल्क से बाहर जाना ये ये बड़ी मामूली दुआएं हैं जरूर पूरी होती है आपकी और ये जरूर मांगा करो दुआ के बगैर तो परवरदिगार देगा नहीं दुआ मांगो उससे अच्छा ताल्लुक बनाओ और कभी कभी ये भी होता है जिनसे आप मोहब्बतें कर रहे हो उनको राह राहरास पे ले आता है तो अल्लाह से होप नहीं तोड़नी है लेकिन वही वाली बात आठ साल दस साल कौन सी ऐसी दुआ मांग बैठे हो मतलब इमरान खान की पोस्ट लेनी है क्या डब्ल्यू ए ने हमें आ, टेन डॉलर भेजे हैं जी अमेरिका से थैंक यू वेरी मच डब्ल्यू ए बहुत शुक्रिया सलामत रहिए आपके इस सुपर चैट के लिए बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे जिंदगी दे खुशियां दे आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे आपके मन में जितने अरमान हैं कल का सूरज निकलने से पहले ही पूरा हो जाए बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच और जो भी चैट करना चाहे टू मिनट मोर है जी हमारे पास और इस शो को हम कर देंगे अंजाम पजीर और ज़ाहिर है जब जब सांसें वफा करती हैं आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए आते रहते हैं सिमी के चैनल पर आपने ज़रूर आना है क्योंकि हम उस चैनल पर बहुत अच्छा शो करते हैं मतलब तो मैं तो अच्छा शो नहीं करता उस चैनल पर मैं तो खराब करने के लिए जाता हूँ उस चैनल को अब वो सुन ना रही हूँ अल्लाह करे तो मैं चाहता हूँ उसका शो कामयाब ना हो लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ता है बिकॉज आज अगर मेरा चैनल चल रहा है या मैं चल रहा हूँ तो उसकी बैकअप की वजह से तो मैं कहता अच्छा कोई बात नहीं हमें भी सपोर्ट करना चाहिए लेकिन सपोर्ट वो करती मैं नहीं करता <laughs> मुझे कहती है देखे राजा हैदर मैं सचबाके कहती है मैं मेरा राम बुरा लगने लगता है मतलब बाहर वाला कहीं ना सर साहब जनाब आगे पीछे कहीं ना कोई मोहतरम लगा दे डायरेक्टली राजा हैदर ओके ठीक है आपको इजाजत है बा हम अपनी मोहब्बत के दुश्मन नहीं असूलों के गुलाम हैं तो हम काश ये होती सी होती तो फिर नहीं नहीं के ये, मत सोचो कि मैं दीवार में चुनवा देता नारकली डिस्को चली और कुछ भी नहीं है खुश रहे मुस्कुराते रहे मेरा आ, बार बार आप लोगों को आ, कहने का मकसद किधर गया सिमी हाँ मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें करूँ और आपकी तस्वीर चली जा रही है हमने बताया कि ये है वो मैडम तो आप लोग हमारे साथ हैं थैंक यू बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से गपशप करके लाइव मेरे पास एक्सेस है आप लोग मेरे साथ लाइव आके वीडियो ऑडियो कन्वर्सेशन भी कर सकते हो डेफिनेटली मेरे सॉफ्टवेयर बहुत हैवी हैं मैं नहीं करता उसकी वजह ये कि आप आगे मतलब को गपशप तो लगाओगे नहीं आपने अपने सवाल जवाब भी शुरू कर देने तो मैं कहता हूँ ओके आप लिखते रहो मैं पढ़ता रहूँगा इसके लिए हमने सिमिस क्वचन बनाया जहाँ पर अभी जाके हम गपशप लगाते हैं मुझे एक सुपर चैट और चाहिए सुपर चैट आते ही हम अपने शो को क्लोज करेंगे प्लीज़ डो इट कोई भी हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान कैनेडा अमेरिका कहीं भी बैठा हो वन मोर सुपर चैट और उसके बाद हम करते हैं बाय बाय और आज का दिन जो है बहुत बिजी मैं अभी देख लो अभी मतलब आते ही टाइम क्यों कम था क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं फ़ौर फ़ौर अपनी ये पफिंग मेकअप सब कुछ रिमूव करके बैठूँ शूट से आया फ़ौर आज इतनी गर्मी थी सेट पे अमानत की हमारी शूटिंग चल रही है हालांकि ए भी चल रहे हैं लेकिन इतनी कुछ गर्मी थी कि मेरे फ़ैन भी चल रहे हैं और मेरी आंखों में जलन हो रही है और बाकी सब लोग भी ज़ाहिर है सबूर इमरान अब्बास तारा जी सलमान सईद सब लोग जितने भी थे सबा परवेज साहिबा मतलब हिम्मत होती है सबकी कि आप सुबह से रात तक लगे हो मेरा काम जल्दी ख़त्म हुआ तो है शुभ में आ गया बाकी लगे हुए हमारे ये बड़ा चल रहा होता है कि जिसकी शूटिंग जल्दी हो तो ऐसे स्टाइल से चलता है ओके मैं डन हो गया तो लोग उसको हसरत से देख रहे होते हैं तो मेरे साथ ऐसा होता नहीं कभी तो आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो मैं भी ऐसे ही वॉक करके आया ओके बाय बाय तो आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ आने वाले मेरे काफ़ी सारे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उन लोगों के लिए हैं जो मुझसे प्यार करते हैं जो लाइक करते हैं और मेरे जितने भी काम हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए सलामत रहिए अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे ख्वाहिशात पूरी करे आपके रमज़ान में जो भी इबादतें कर रहे हो वो कबूल करे साँ वफ़ा कर गई तो एक बार फिर आपके दिलों में दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे तब तक के लिए बहुत सा प्यार طمانخدا